जय हिंद, नमस्ते। आई एम अभिषेक। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू लास्ट माइल एजुकेशन। टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पब्लिक स्पीकिंग एंड हाउ कैन वी लर्न दिस स्किल इन आवर डे टू डे लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, आई वांट टू मेक सम पॉइंट्स क्लियर हियर कि ऐसा आप दिमाग में मिथ पाल कर जो रखे हो कि जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर और बड़े बड़े सिटीज में, जो गुवाहाटी और पटना, कलकत्ता जैसे सिटीज में रहता है, वही सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग कर सकता है। हम तो गांव में रहने वाले लोग हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं। और पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ इंग्लिश में ही होता है। दिस ऑल आर द इनकरेक्ट मिथ इन योर माइंड। पब्लिक स्पीकिंग एक सिंपल सा स्किल होता है जो कि इन द फ्रंट ऑफ पीपल वी गो ऑन द स्टेज एंड वी पुट आवर व्यूज, वी पुट आवर पॉइंट्स, जो भी हमारे माइंड में है, जो भी हमारे दिल में है, जो भी हम कहना चाहते हैं, हम एफर्टलेसली विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी लाइक किए हुए, हम लोग अपने बात को डिलीवर कर पा रहे हैं इन द सिंपलेस्ट लैंग्वेज, इन द इजी लैंग्वेज। दैट इज कॉल्ड पब्लिक स्पीकिंग। सी, अब हियर यू हैव टू थिंक वंस अगेन, लाइक मेनी पीपल थिंक लाइक पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ इंग्लिश में होता है। ये टोटली इनकरेक्ट है। देर आर सो मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस इन आवर कंट्री एंड सो मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। वट इज पब्लिक स्पीकिंग? पब्लिक स्पीकिंग मतलब इन द फ्रंट ऑफ पीपल आई वॉन्ट टू स्पीक, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग। अब इसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, क्या आप बोलना चाहते हो, इसके लिए आपके अंदर थोड़ा सा रिसर्च चाहिए, जो आप रिसर्च करके नॉलेज ग्रैब कर किया अपने माइंड में और उसको डिलीवर करना है। इसके लिए आपको थोड़ा सा अंदर में कॉन्फिडेंस चाहिए। इसके लिए आपको थोड़ा सा अंदर में स्किल सीखना होगा, कैसे 2-4-10 लोगों के बीच में बोलते हैं, 50 लोगों के बीच में बोलते हैं, 100 लोग, 1000 लोग और फिर लाखों लोगों के बीच में हम कैसे बोलते हैं। अभी जितने हमारे लीडर्स हैं उनमें सबसे बढ़िया पब्लिक स्पीकर कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी जो भी प्रधानमंत्री हैं, मतलब क्या उनका ऑरा है, कैसे वो बोलते हैं। यू कैन गो एंड लिसन हिज स्पीचेस। देयर इज सो ब्यूटीफुल वे बाय विच ही कम्युनिकेट विद द लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल। सो दैट इज हिज ऑरा टू स्पीक विद द पब्लिक। You can also develop your own way to speak with the public. You can go in the classroom in your locality. You can give little speeches, 5 minutes, 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes speeches. You can address the public. You can address the classrooms in any language. That doesn't matter. आपको knowledge होना चाहिए, आपके अंदर थोड़ा सा confidence होना चाहिए, उस subject पे आपका research होना चाहिए, थोड़ा command होना चाहिए जिस topic पे आप बोलने वाले हो। After that, you can communicate with those audience. And जब भी public speaking करो, थोड़ा सा smile लाओ चेहरे पर, हंसते रहो, मतलब हल्का सा smile, जैसे बुद्धा smile करते हैं, उनकी आंखों में smile होता है। Whenever you see the picture of Buddha, a smile reflect in his eyes. After that, you can थोड़ा सा body को अच्छे तरीके से आप रख सकते हो, हाथों को खोल सकते हो, अपने body को खोल सकते हो, eyebrows को थोड़ा सा अपने बात पे ऊंचा नीचा कर सकते हो, आंखों से ऐसे सबको देख सकते हो, सारे audience को एक नजर से देख सकते हो। These all are the simple things to go on the stage and start speaking on the stage in ahead of so many people, ahead of public. That is called public speaking. अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिसर्च कर जा रहे हो, कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो अपने सब्जेक्ट पर और कितना ऑन द सिचुएशन जाकर डिलीवर कर रहे हो। सी, इवन अमिताभ बच्चन हैज सेड सो मेनी टाइम्स कि आई फील लिटिल बिट हेजिटेशन व्हेन आई गो अहेड द कैमरा। जब भी वो कैमरा के सामने जाते हैं, जबकि इतने वो सुंदर, मतलब क्या बोला जाए, उनके लिए कोई शब्द ही नहीं, अलंकार ही नहीं है मेरे पास। वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं हमारे कंट्री के, हमारे बॉलीवुड के, उसके बाद हिंदी सिनेमा जगत के, उसके बाद उनको थोड़ा बहुत हेजिटेशन होता है कैमरा के सामने जाने पे। और जब वो कैमरा के सामने जाते हैं तो बहुत ईज हो जाते हैं। तो जब आप भी स्टेज पर जाओगे या फिर क्लासरूम के सामने जाओगे तो थोड़ा सा हेजिटेशन आपको भी होगा। बट वंस यू वेंट देयर, एक बार आप वहां चले गए तो फिर अपने आप को देख लो कि अब यहाँ पे करना है या मरना है। तो बस अपने आप को खोलते जाओ और जहां भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है, इफ यू फील लिटिल बिट लाइक नर्वस और एनी काइंड ऑफ बैड थिंग्स, देन यू कैन से थैंक यू। यस, जो भी आपको बोलना है लास्ट में, जय हिंद, जय भारत, वॉट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक इन द लास्ट, यू कैन से देयर और उसके बाद आप जा सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। इज It is not about the English. It is not about the Hindi. You can also speak and you can also address so many people in Bhojpuri. जो भी हमारे MLAs होते हैं, जो भी हमारे MPs होते हैं, जो बिहार के हैं, वो public speaking करते हैं अपने election के time पे, तो वो थोड़ी English और Hindi में करते हैं।
भोजपुरी में करते हैं, मगही में करते हैं, मैथिली में करते हैं, अपने अंगिका जो भी अपना भाषा है, लोकल भाषा है, उसमें जाकर करते हैं और पूरे पूरे लोगों को पूरा संतुष्ट कर कर भेजते हैं, फिर वो उनको वोट देते हैं, फिर तो वो पार्लियामेंट जाते हैं। तो दिस इज पब्लिक स्पीकिंग इज ऑल अबाउट। ये बहुत सुंदर आर्ट है एंड यू शुड लर्न दिस। प्लीज वॉच सम लेक्चर, सम गुड वीडियोस ऑन पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रैक्टिस इट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप रिसर्च करोगे, उतना आप बेहतर होगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, फ्रॉम लास्ट माइल एजुकेशन। जय हिंद, जय भारत, सी यू सून।